Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. फोन रखकर जब सिकंदर साहब लाउंज में आए तो अपने सामने खड़े नौजवानों के लश्कर को देखकर वो हक्का बक्का रह गए। उन लड़कों के हाथों में केक, तहाइफ, गुब्बारे और गुलदस्ते थे। उनके हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखकर सिकंदर साहब ने पूछा, अरे तुम सब लोग कौन हो? उनमें से एक लड़का आगे आया और कहने लगा, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिकंदर आजम। क्या बात है सर, हमारे प्रोफेसर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने नालायक स्टूडेंट्स को नहीं पहचाना? अपना पुराना लकब सुनते ही सिकंदर साहब की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने हैरत से सबकी तरफ देखा और पूछा, अरे मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम सब यहाँ कैसे आ गए? उनके बराबर में खड़े एक दूसरे लड़के ने कहा, सर अगर आप फेसबुक पे आ सकते हैं तो क्या हम आपके घर नहीं आ सकते? अच्छा सर, ये तो बताएं, आपने मुझे पहचाना या नहीं? सिकंदर साहब ने अपने जहन पर जरा जोर दिया और कहा, तुम एहसन हो, ऑलवेज लेट फॉर क्लास। और सर मैं याद हूँ आपको? वेट, डोंट टेल मी योर नेम। तुम यूसुफ हो, राइट? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी मिस यू सो मच सर। सिकंदर साहब अभी एक एक करके अपने सारे स्टूडेंट से मिल ही रहे थे कि अचानक उन सब के बीच उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। अरे अमान बेटा, तुम भी आए हो? आओ आओ, मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट्स से मिलवाता हूँ। स्टूडेंट्स, इनसे मिलो, ये है अमान, सर्विस इंजीनियर फ्रॉम कनेक्ट हब। मेरा तुम सब से दोबारा रابطہ इसी की बदौलत हुआ है। अमान का ये तारुफ सुनकर एक स्टूडेंट ने कहा, ये अमान? जस्ट अ सेकेंड सर, ये अमान सर्विस इंजीनियर, सर ही इज द CEO ऑफ कनेक्ट हब। आपने लगता है इसे पहचाना नहीं? ये सुनकर सिकंदर साहब एक पल के लिए सुन हो गए। उन्होंने एक बार फिर अमान के चेहरे को गौर से देखा। अचानक एक धुंधला सा मंजर उनकी आंखों के सामने आया, जब एक होनहार और काबिल लड़के को उन्होंने स्कूल ऑडिटोरियम में सबके सामने गोल्ड मेडल पहनाया था। उन्होंने मुस्कुराकर अमान को पहचानते हुए कहा, अरे अमान, अमान सिद्दीकी, माई स्कूल टॉपर, बेटा ये तुम हो? यस सर, एग्जैक्टली, यू आर राइट, और ये सब इसी का प्लान था। बेटा मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, और पहचानता भी कैसे, तुम उस वक्त छोटे से दुबले पतले से हुआ करते थे, और अब देखो माशाल्लाह तबारकअल्लाह, यू आर अ फिट एंड टॉल जेंटलमैन। ये सुनकर अमान ने बहुत एहतराम से कहा, सर मैं आज जो कुछ भी हूँ सब आपकी बदौलत हूँ, और ये सब बातें तो चलती रहेंगी। आए, लेट्स कट द केक एंड सेलिब्रेट योर बर्थडे। स्कूल के पुराने किस्से दोहराते, टीचर्स की मिमिक्री करते, पुरानी तस्वीरें देखते, फेसबुक पर नई पिक्चर्स अपलोड करते और खूब हल्ला गुल्ला करते सारी शाम गुजर गई। जाने से पहले सिकंदर साहब ने सारे बच्चों का बहुत शुक्रिया अदा किया, अमान को गले लगाया और उसके माथे पर बोसा दिया। सर ये लीजिए। ये क्या है बेटा? अमान ने एक छोटा सा रिबन लगा हुआ गिफ्ट बॉक्स सिकंदर साहब को देते हुए कहा, सर दिस इज योर बर्थडे प्रेजेंट। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी? सर मैं जानता हूँ आपको इसकी बहुत जरूरत है, मगर ये है क्या बेटा? अमान ने तजस्सुस बरकरार रखते हुए कहा, सर आप खुद ही खोल कर देख लें। जब सिकंदर साहब ने अमान का तोहफा खोला तो उसमें से एक वेबकैम निकला। सिकंदर साहब ने हैरत से अमान की तरफ देखा, सर दिस इज अ वेबकैम, अगर मैं इसे आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कर दूं तो उसके बाद कैलिफोर्निया और कराची का सारा फासला एक क्लिक से ख़त्म हो जाएगा, यानी मैं अदील से बात कर सकूंगा? जी सर, आप उन्हें सुन भी सकेंगे और अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देख भी सकेंगे। ये सुनकर सिकंदर साहब ने अमान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, थैंक यू सो मच माय सन, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और खूब तरक्की करो। This is the least I can do for you, sir. यूं शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तमाम स्टूडेंट्स के जाने के बाद अमान ने लैपटॉप में वेबकैम इंस्टॉल किया, सिकंदर साहब को वीडियो कॉल करने का तरीका सिखाया
और फिर उनसे इजाजत ली। कुछ ही देर बाद अदील, हिना और रेहान उनके सामने थे। रेहान, दादा अबू को सलाम करो, बोलो हैप्पी बर्थडे दादू, हैप्पी बर्थडे, वी लव यू दादू, वी मिस यू दादू। हिना की गोद में बैठे अपने पोते को देखकर सिकंदर साहब का दिल भर आया। उसकी मासूम सी मुस्कुराहट, भोला सा चेहरा और खिलखिलाती हुई आवाज सुनकर मानो जैसे सिकंदर साहब की मायूस जिंदगी में रमक लौट आई। अपने आंसू पोंछते हुए सिकंदर साहब ने कहा, दादू आल्सो लव्स यू अ लॉट रेहान। अब्बू, कैसा लग रहा है आपको स्काइप पर? बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्काई पर हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं तुम सबको देखकर कितना खुश हूँ। अपने अब्बू को यूं खुश होता देखकर अदील ने कहा, आप कितना रेजिस्ट करते थे अब्बू। सिकंदर साहब ने तस्लीम करते हुए कहा, ये शायद हमारी जनरेशन का प्रॉब्लम है बेटा। टेक्नोलॉजी को, तब्दीली को आसानी से एक्सेप्ट ही नहीं करते हम। ये नहीं सोचते कि ऐसा रवैया हमारी ग्रोथ को रोकता है। राबता तो कदम आगे बढ़ाने से ही बनता है ना। बिल्कुल अबू, और आपको इस सब के लिए अमान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर सिकंदर साहब ने अदील से पूछा, अच्छा बेटा एक बात तो बताओ, तुम अमान को कैसे जानते हो? टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।